Hello, my dear students. In the last lecture, we were talking about types of intermolecular forces. ठीक है, इसमें से जो हम बात कर चुके हैं वो बात कर चुके हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की. मैं फिर से आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ. इंटरमोलेक्युलर मीन्स देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स. क्योंकि जब दो अलग अलग टर्म्स यूज करनी हो, दो अलग अलग चीजें आती हैं, तो वहां पर यूज करते हैं वर्ड इंटर. इंटर मतलब टू डिफरेंट और क्या मॉलिक्यूल्स, और उनके बीच में क्या है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, अब हम इसकी क्लासिफिकेशन में जब जाते हैं तो हम उस क्लासिफिकेशन का नाम ही इस हिसाब से लिखते हैं कि वो जो दो मॉलिक्यूल है उनका नेचर कैसे है. ठीक है, यानी कि एक मॉलिक्यूल का नेचर मैं अलग लिखूंगा, दूसरे मॉलिक्यूल का मैं नेचर अलग लिखूंगा. जैसे यहां पर मैंने लिखा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यानी कि एक मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है, डाइपोल की तरह है. दूसरे नेचर का भी, दूसरे मॉलिक्यूल का भी नेचर क्या है, डाइपोल की तरह है. और प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि डाइपोल किसको कहते हैं. डाई मतलब टू, पोल मीन्स चार्जेस, यानी कि जिस मॉलिक्यूल में दो अलग अलग चार्जेस आ जाए, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी आ जाए और नेगेटिव चार्ज भी आ जाए. लेकिन यहाँ देने वाली बात यह है कि जो चार्जेस आएंगे वो किस वजह से आएंगे, वो इस वजह से आएंगे दैट देयर विल बी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. है ना, देयर विल बी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा. जैसे लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल लिया था किसका, HCl का. ठीक है, अब मैं HCl नहीं लेना चाहता, आई वांट टू हैव वाटर. अब वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है OHH. ठीक है, अब इसमें कनेक्शन देखो, कनेक्टिविटी क्या है. कनेक्टिविटी ये है दैट हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन, एंड आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. अगर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव. हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव. ऐसे ही इस हाइड्रोजन पर भी चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव. और इस हाइड्रोजन पर एक और नेगेटिव, मतलब टोटल नेगेटिव क्या आ जाएगा, टू. एक इस H की वजह से, एक इस H की वजह से. तो यानी कि वाटर के अंदर क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, इसलिए दिस मॉलिक्यूल यानी कि वाटर इज, वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर इन नेचर. ठीक है, या फिर दिस इज डाइपोल इन नेचर. अब यहां पर मान लो मैंने दो वाटर मॉलिक्यूल ले लिए, एक ले लिया H2O और दूसरा फिर से ले लिया क्या, H2O. तो यहां पर इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव. हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव. अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर टू नेगेटिव क्यों नहीं लिख रहे आप, टू नेगेटिव आप लिख सकते हैं. ठीक है, ऐसे ही यहां पर हाइड्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज टू नेगेटिव. तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को, क्योंकि फिजिक्स कहती है दैट इट विल अट्रैक्ट. तो यहां पर दो मॉलिक्यूल है, ये भी कैसा है, पोलर है. ये भी कैसा है, पोलर है. यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है. तो इनकी जो इंटरेक्शन होगी, दिस इंटरेक्शन इज नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. ठीक है, ऐसे इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं. ठीक है, हालांकि इसमें एक और स्पेशल टाइप की इंटरेक्शन है, दैट इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन उसकी बात अभी थोड़ी देर में हम लोग करने वाले हैं. इसमें हमने एक और कहा था कि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हैज रिलेशन विद द डिस्टेंस. लास्ट लेक्चर में हम बात कर चुके हैं दैट इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू द पावर 6. लेकिन आर क्यूब कब होगा, व्हेन इट इज एट रेस्ट. ठीक है, जब क्या हो, जब वो एट रेस्ट हो, दोनों मॉलिक्यूल्स कहाँ हो, एट रेस्ट, कोई भी मूव ना करे. आर की पावर 6 क्या होगी, इन मोशन, यानी कि मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. तो ये हम प्रीवियस लेक्चर में अपनी बात कर चुके हैं, अब यहीं से हम आगे चल रहे हैं. देखिए, मैंने फिर से कहा कि ये जो इंटरेक्शन का नाम कैसे रखा, भाई इंटरेक्शन में दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे या दो सेम भी हो सकते हैं, बट आई हैव टू मॉलिक्यूल्स. तो जो वो दो मॉलिक्यूल हैं उनका नेचर कैसा है, जैसे मैं नेक्स्ट जो इंटरेक्शन कहता हूँ वो कहता हूँ आयन डाइपोल इंटरेक्शन.
बड़े ध्यान से समझेंगे इसको। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें एक मॉलिक्यूल कैसा है, आयन है, ठीक है। वन मॉलिक्यूल इज आयन, और आयन में भी दो चांसेस हैं, आइदर इट में बी कैट आयन और इट में बी एनायन, ठीक है। या तो कैटायन हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, एनायन हो सकता है। ऐसे ही दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, सेकंड मॉलिक्यूल, वो कैसा है, डाइपोल या हैविंग पोलर नेचर। पोलर नेचर मतलब देयर विल बी सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। एक सिंपल सा एग्जांपल ले, आपने घरों में ये एक्सरसाइज बहुत बार करी है, NaCl plus water, but it gives you Na positive Aq plus Cl negative, this is again Aq, मतलब aqueous state में। ये आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि जब सॉलिड होता है तो हम ब्रैकेट लगा के S लिख देते हैं, जब लिक्विड होता है तो हम ब्रैकेट लगा के जो है L लिख देते हैं, अगर गैस होता है देन हम ब्रैकेट का यूज करके हम जी लिख देते हैं, लेकिन अगर वाटर की इन्वॉल्वमेंट है तो हम ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, ए क्यू। आपने बहुत बार पढ़ा है NaOH को आपने डाल के देखा होगा कि Na पॉजिटिव एक्वस OH नेगेटिव एक्वस। किसी एसिड को जब आप वाटर में डालते हैं तो यही बनता है, HCl को वाटर में डाल के देखो, HCl को जब वाटर में डालोगे क्या बनेगा, एच पॉजिटिव एक्वस Cl नेगेटिव एक्वस। लेट मी राइट इट फॉर यू, If I have HCl plus water, क्या देगा, H positive surrounded by aqueous, Cl negative surrounded by aqueous. For example, you have NaOH plus water, क्या देगा, Na positive aqueous and OH negative, वो भी क्या है, aqueous. लेकिन यहाँ पर एक बात सोचो, और वो क्या बात सोचनी है, क्या आप जो क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हो कि मैंने लिखा Na पॉजिटिव एक्वस, व्हाट इट मींस, इसका मतलब क्या है, क्या क्वेश्चन और उठा रहा हूं मैं कि हम जो 10th क्लास से पढ़ते हैं कि Na पॉजिटिव एक्वस इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखो, एक तो है Na पॉजिटिव, एक तो है Na पॉजिटिव, दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है, वाटर का है। एक तो NaCl का मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल किसका है, वाटर का है, लेकिन NaCl तो टूट गया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी कि NaCl हैज कन्वर्टेड इनटू आयन, लेकिन ये क्या है, दिस इज योर आयन, और Aq मतलब वाटर, यानी कि इस सोडियम पॉजिटिव के अराउंड वाटर है बहुत सारा, लेकिन यहां पर एक स्पेशल टाइप की नोटेशन मैंने लिखी है, और ध्यान दो क्या किया है कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन है उसको मैं सोडियम पॉजिटिव की तरफ लेके आ रहा हूं, ताकि फिजिक्स के अकॉर्डिंग अपोजिट चार्ज क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके, अपोजिट चार्ज क्या कर सके, अट्रैक्ट, अपोजिट चार्ज क्या कर सके, अट्रैक्ट, अपोजिट चार्ज क्या कर सके, अट्रैक्ट, ठीक है। यानी कि इसके अंदर, इस इंट्रैक्शन के अंदर क्या है, इस इंट्रैक्शन के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ वन आयन, और वो आयन कौन सा है, कैटायन, and there is a different molecules which is polar in nature. तो यहाँ पर जो force of attraction है, इस force of attraction को क्या बोलेंगे हम, ion dipole interaction. I repeat, क्या बोलेंगे इसको, ion dipole interaction. फिर से समझो कि भाई NaCl को water में डाला तो सिर्फ Na positive नहीं बनेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, Na पॉजिटिव के अलावा Cl नेगेटिव भी बनेगा, लेकिन जो Cl नेगेटिव होगा वो क्या होगा, देखो कि इस Cl नेगेटिव के अराउंड, इस Cl नेगेटिव के अराउंड थोड़ी सी सिचुएशन अलग हो जाएगी, और क्या हो जाएगी कि वाटर का जो H है, वाटर का जो H है वो Cl की तरफ होगा, ताकि H के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, Cl के ऊपर चार्ज नेगेटिव, वो एक दूसरे को क्या करा सके, अट्रैक्ट करा सकते, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी कि ये कुछ सिचुएशन ऐसी सी आ जाएगी कि यहाँ पर अगर OH है ना, तो इसकी तरफ क्या होना चाहिए, Cl नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही जो है, इससे आगे हम चलेंगे, H O
एच यहाँ पर सी एल आ गया और यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, एन ए पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब ये रिपीट करते रहेंगे, लेकिन मुझे इतनी ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक इतनी सी बात कह रहा हूँ कि भाई जब आपने एक ऐसा सॉलिड लिया, एक ऐसा मॉलिक्यूल लिया जो वाटर में जाके आयंस में टूट गया, तो आयन ने क्या किया, आयन के ऊपर चार्ज है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, और वाटर के ऊपर भी चार्ज है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो आयन क्या करेगा, अपोजिट चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, यानी कि दैट आयन विल बी सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स इन सच अ मैनर के कैटायन की तरफ क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज, और एनायन की तरफ क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे। इसी इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस पर्टिकुलर इंटरेक्शन इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंटरेक्शन। कि इसके अंदर एक तो आयन है, यहां पर क्या है, कैटायन है, सोडियम आयन, यहां पर क्या है, सीएल नेगेटिव आयन। तो यहां पर दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड योर आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब इस पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दैट क्वेश्चन इज कि अगर मान लो आपके पास NaCl है, NaCl dissolves in water but CCl4 does not, why? ठीक है, NaCl क्या कर रहा है, डिजोल्व कर रहा है वाटर के अंदर, लेकिन CCl4 वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? देखें, NaCl क्या है, NaCl को अगर आप वाटर में डालते हैं तो इट विल ब्रेक एज Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, लेकिन अगर आप CCl4 को वाटर में डालते हैं देन डू नॉट डिसॉल्व। और यही क्वेश्चन भी है, मैंने क्वेश्चन को इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया। तो अगर NaCl वाटर में जाके डिसॉल्व हो रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि NaCl इज आयनिक इन नेचर, आयनिक इन नेचर, एंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, व्हेन डिसॉल्व इन water there is ion dipole interaction between ion and water molecule, जिसको हम यहां explain कर चुके हैं। ठीक है, यहां पर force of attraction आएगा, force of attraction आने का मतलब है it will get dissolved, लेकिन But in CCl4, there are no ions. ठीक है, even अगर आप CCl4 का dipole moment निकालेंगे तो वो zero आएगा। डाइपोल मोमेंट अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। दुनिया का कोई भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, कोई भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, इट्स डाइपोल मोमेंट इज गोइंग टू बी जीरो। सिमेट्रिकल मतलब जब सब चीजें एक जैसे जुड़ी हुई हो, जैसे CO2 डाइपोल मोमेंट जीरो, BF3 डाइपोल मोमेंट इज जीरो, ऐसी CCl4 डाइपोल मोमेंट इज जीरो। लेकिन शेप पे भी डिपेंड करेगा, ये याद रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर NH3 डाइपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए, लेकिन नहीं होता, क्योंकि शेप ऐसी है कि चार्ज एक डायरेक्शन में चला जाता है। बट यहाँ डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। डाइपोल मोमेंट जीरो होने का मतलब है नो सेपरेशन ऑफ चार्ज, नो सेपरेशन ऑफ चार्ज, के चार्ज सेपरेट आउट नहीं होगा। और अगर नो सेपरेशन ऑफ चार्ज इज देयर, इफ देयर इज नो सेपरेशन ऑफ चार्ज मींस नो आयन डाइपोल इंटरेक्शन। नो आयन डाइपोल इंटरेक्शन के यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ ही नहीं रहे,
वाटर सीएल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा ही नहीं रहा। अगर वाटर सीएल को अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट कराएगा तो सीएल भी वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, डिजोल्व होने का सीधा सीधा मतलब क्या था कि वाटर क्या कर रहा है, उस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है। इन वाटर कैसा है, पोलर है नेचर में, लेकिन CCl4 नॉन पोलर है नेचर में, तो ये आपस में कोई यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट नहीं होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं जनरेट होगा, इट विल नॉट गेट डिसॉल्व। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्योंकि वाटर इन्वॉल्व है, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रेशन ऑफ आयन्स। ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ आयन्स का मतलब क्या है कि आयन विल बी सराउंडेड बाय वाटर, जैसे इसमें हुआ ना, कैटायन इज सराउंडेड बाय वाटर, सीएल नेगेटिव इज सराउंडेड बाय वाटर। तो यहां पर ये बात आ जाती है। इवन चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, थर्ड इंट्रैक्शन इज योर आयन। ठीक है, आयन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। आयन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हम किसी भी क्लासिफिकेशन का नाम किस बेसिस पर रखते हैं, इस बेसिस पर रखते हैं कि भाई उसके अंदर जो है, उसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो उसका नेचर कैसा है। अगर दोनों पोलर थे तो डाइपोल डाइपोल, अगर उसमें से एक आयन है आयन डाइपोल। अब इसमें से देखो, एक तो आयन है, एक मॉलिक्यूल का तो जो है नेचर पता चल गया कि वन मॉलिक्यूल कैसा है, आयन है। इट मे बी कैटायन, इट मे बी एनायन। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया Na पॉजिटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव। दूसरा है इंड्यूस्ड डाइपोल। अब इस वर्ड को भी तोड़ो, डाइपोल मतलब देयर विल बी सेपरेशन ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे। लेकिन डाइपोल के साथ एक और वर्ड जोड़ा गया है, और वो वर्ड क्या है, इंड्यूस्ड। दैट वर्ड इज योर इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, इंड्यूस्ड का मतलब होता है जबरदस्ती का। क्या मतलब होता है जबरदस्ती का, जैसे आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अपनी मर्जी से के चलो यार सर ने एक वीडियो भेजा है तो लेट्स चेक आउट क्या नया है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से पढ़ते हैं। ठीक है, वो क्या होंगे, दे आर डाइपोल, जो अपनी मर्जी से जहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, दीज आर डाइपोल। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रेशर में आके पढ़ते हैं। अब प्रेशर बहुत सारे अलग अलग तरीके का हो सकता है, जो है मदर या फादर का प्रेशर हो के नहीं नहीं तेरे को तो पढ़ना है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि भाई यूटी नजदीक आने वाले हैं तो पढ़ना है, या फाइनल एग्जाम आने वाला है तो पढ़ना है। मींस कि वो पढ़ना नहीं चाहते, बट कंडीशन ऐसी हो गई है कि उन्हें पढ़ना पड़ता है। ध्यान दो कि कंडीशन ऐसी हो गई है दैट दे हैव टू रीड, दे हैव टू स्टडी। ऐसी ही कुछ बात यहां पर आ जाती है कि दैट इज अ डाइपोल, वो पढ़ता तो है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस तो हैं, बट कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से वो डाइपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं। यानी कि चीजें एक्चुअल में डाइपोल नहीं है, वो एक्चुअल में पढ़ना नहीं चाहते लेकिन पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई फोर्स है, कोई ना कोई जो है उनके ऊपर कंडीशन लगी हुई है। तो ऐसे ही यहाँ पर सेकेंड मॉलिक्यूल कैसा है, सेकेंड मॉलिक्यूल इज योर नॉन पोलर। आप कहोगे सर डाइपोल मतलब देर शुड बी पोलर, बट यू आर राइटिंग नॉन पोलर। यही तो मैं कह रहा हूं दैट इट इज नॉट पोलर, कि ये पोलर है ही नहीं। देर इज नो सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, बट ऑटोमेटिकली ऐसा हो गया है, कंडीशन ऐसी बन गई है जिसकी वजह से वो ऐसे बिहेव करेगा। तो एक्चुअल में इट इज नॉन पोलर, बट ड्यू टू द कंडीशन इट विल बिहेव एज पोलर, ड्यू टू कंडीशन इट विल बिहेव एज पोलर। देखो करते हैं कैसे, मान लेते हैं हमारे पास, आपने ये शायद बहुत बार लाइफ में कभी ना कभी एक एक्सपेरिमेंट किया होगा दैट यू हैव अ स्केल। ठीक है, आप स्केल को क्या करते हैं, सर में रब करते हैं बहुत अच्छे से। क्या करते हैं, रब करते हैं। लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि जब आप रब करते हो देन देयर विल बी
जनरेशन ऑफ चार्जेस के उसमें चार्जेस आ जाएंगे, या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैंने मान लिया पॉजिटिव चार्ज आ गया, मैंने मान लिया पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब उस स्केल को आप क्या करते हो, उस स्केल को आप एक पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाते हो एंड व्हाट हैपेंस इज दैट इट गेट्स अट्रैक्टेड। क्या इस पेपर में चार्जेस थे? नहीं थे। लेकिन मान लेते हैं कि दिस इज योर अ बॉडी, दिस इज अ बॉडी जिसके अंदर आप कह रहे हो कि देयर इज नो चार्ज। यू आर सेइंग दिस दैट देयर इज नो चार्ज, बट अकॉर्डिंग टू मी दुनिया की कोई भी चीज बिना चार्ज के नहीं हो सकते। आप कहोगे सर फिर न्यूट्रल क्यों होती है? अरे भाई न्यूट्रल इसलिए होती है कि अगर मान लो देयर इज प्रेजेंस ऑफ 5 पॉजिटिव चार्जेस देन देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ 5 नेगेटिव चार्जेस, है ना? अगर 5 पॉजिटिव है तो 5 नेगेटिव भी है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, पूरे मॉलिक्यूल्स में बिखरे पड़े हैं। आपने आपको नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में पॉजिटिव है किस डायरेक्शन में नेगेटिव है। अब इस पे 5 पॉजिटिव है 5 नेगेटिव है तो रिजल्टेंट चार्ज विल बी जीरो। जब आप इस पॉजिटिव चार्ज को लेके आओगे इसकी तरफ तो इस बॉडी के अंदर पहले चार्जेस नहीं है, मतलब देयर इज स्पेसिफिक नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस। पोलर का मतलब क्या है? देयर विल बी सेपरेशन ऑफ चार्जेस के एक कोने में पॉजिटिव चार्ज होगा दूसरे कोने में नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन अभी यहाँ तो फैला पड़ा है चार्ज, हर जगह बराबर है। तो जब आप इस पॉजिटिव रोड को इसकी तरफ लेके आओगे तो होगा क्या? होगा ये कि इस बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस रोड से दूर भागेगा। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? दूर भागेगा। और नेगेटिव चार्ज क्या होगा? इसके पास आ जाएगा, है ना? पहले वो डाइपोल नहीं है, क्योंकि डाइपोल, मैं बार बार कह रहा हूँ, डाइपोल HCl इज योर डाइपोल, वाटर इज योर डाइपोल। वाई? क्योंकि वाटर के अंदर एक डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज है दूसरी डायरेक्शन में पॉजिटिव है। यहाँ तो वो बिखरा पड़ा है कि पॉजिटिव चार्ज भी है हर एक डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन जिस डायरेक्शन से पॉजिटिव वाली रोड आप लेके आ रहे थे उस तरफ क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और उसके अपोजिट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी कि दिस इज एक्चुअली नॉन पोलर, बट ड्यू टू द कंडीशन, कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव रोड को आप जिस तरफ से लेके आ रहे हो उस तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो दिस वॉज नॉट पोलर बट इट इज बिहेविंग एज पोलर ड्यू टू दिस रोड, है ना? देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस ड्यू टू दिस रोड। इसी को हम फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन, फिजिक्स के टर्म्स में। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कि आपके पास क्या होगा, एक आयन, दूसरा कैसा मॉलिक्यूल होगा जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं है। लेट्स टेक द एग्जांपल, मैंने एक मॉलिक्यूल लिया आई आई, आई आई मतलब आई टू, आई आई का मतलब ये नहीं है कि चोट लगी हुई है, आई आई मतलब आई टू। आई टू के अंदर क्या आपको पता है किस आयोडीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और किस आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है? आई डोंट थिंक सो दैट यू कैन से कि किसके ऊपर पॉजिटिव है किसके ऊपर नेगेटिव है। इन दोनों के ऊपर जो है बराबर का चार्ज होना चाहिए, लेकिन मैंने मान लिया कि इस तरफ से मैं सोडियम पॉजिटिव लेके आ रहा हूँ, मैं इस तरफ से सोडियम पॉजिटिव लेके आ रहा हूँ, तो सोडियम पॉजिटिव तो क्या आ गया? आयन। क्या आ गया? ये आयन। लेकिन क्या ये पोलर? आंसर इज नो, दिस इज नॉट पोलर, देयर इज नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस। और सेपरेशन ऑफ चार्जेस क्यों नहीं है? क्योंकि सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुई इसलिए थी कि कोई एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। यहाँ पर दोनों आयोडीन सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इसका मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर दोनों की क्या होगी? सेम होगी। तो आयन जिस तरफ से आएगा, जिस तरफ से पॉजिटिव चार्ज आया था, ये क्या है? न्यूट्रल है। तो जिस तरफ से पॉजिटिव आएगा उस तरफ जो आयोडीन होगा उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? पार्शियली नेगेटिव। और अपोजिट पे क्या आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव। इफ आई से आई टू इज न्यूट्रल तो इसका मतलब है इसके अंदर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज एग्जैक्टली इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, कि जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है? नेगेटिव है। लेकिन जिस तरफ से पॉजिटिव आया उस तरफ आपको वो, जिस तरफ से सोडियम आ रहा है उस तरफ जो आयोडीन होगा वो कौन सा चार्ज डेवलप कर लेगा? नेगेटिव। मान लो आप इस तरफ से क्या लेके आ रहे होते, मान लेते हैं इस तरफ से आपने Cl नेगेटिव अप्रोच किया, दिस इज योर आई एंड आई, अगेन नॉन पोलर। तो इस तरफ से जब जिस तरफ से Cl आ रहा है उस आयोडीन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और दूसरे के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। यानी कि ये पढ़ना नहीं चाहता, ये बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन कंडीशन के Cl आके इसको फोर्स कर रहे, Cl इसको डरा रहा है कि अगर नहीं पढ़ा तो तेरे साथ नुकसान हो जाएगा, ठीक है? तो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड आयन।
इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, कि एक उसमें आयन है, दूसरा मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर है बेसिकली, बट इट इज बिहेविंग एज डाइपोल, बट इट इज बिहेविंग एज डाइपोल. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, अब फिर से दो मॉलिक्यूल है, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नंबर फोर, ठीक है, डाइपोल या इंड्यूस्ड डाइपोल. अब इसमें जो डाइपोल है मतलब एक मॉलिक्यूल कैसा है, वन मॉलिक्यूल इज पोलर, एक मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर है, ठीक है. फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कोई वाटर ही ले लिया, सपोज करो H2, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, मीन्स इट इज पोलर. एंड सेकंड मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर. फॉर एग्जाम्पल I2, यानी कि यहां पर क्या है, वॉटर है H2O, और दूसरा क्या है, आयोडीन, सिंगल बॉन्ड आयोडीन, इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव. ये अब आयन नहीं है, दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल, और ये कैसा है, नॉन पोलर. अगर आप ये नहीं लेना चाहते, लेट्स हैव H2, ठीक है, लेट्स हैव Cl2, कोई भी दो एक जैसे ले लो, क्योंकि अगर H2 आपने लिया, दोनों हाइड्रोजन सेम होंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बराबर होगी, मींस आप नहीं बता सकते किसके ऊपर एग्जैक्ट पॉजिटिव है, किसके ऊपर एग्जैक्ट नेगेटिव है. ऐसे ही Cl सिंगल बॉन्ड Cl है, वहां पर भी सेम रीजन आ जाता है, लेकिन ऑक्सीजन जिस तरफ होगा उस तरफ के आयोडीन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव. मैं वहां नेगेटिव चार्ज नहीं क्रिएट कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को क्या कर देते, रिपेल कर देते, और जो दूर वाला होगा उसके ऊपर सेम चार्ज हो जाएगा, ठीक है. यानी कि जो ऑक्सीजन की तरफ है, क्योंकि ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव है, तो उस आयोडीन पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और जो आयोडीन दूर है उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव. यानी कि इसके ऊपर ऑक्सीजन वाला सेम चार्ज है, फॉरगेट इट, अपोजिट चार्ज क्रिएट करेगा. इस आयोडीन पे चार्ज पॉजिटिव है, तो सीधी सी बात, अगर इस पे पॉजिटिव आ गया तो इस पे क्या आता, नेगेटिव आ जाता. अगर मान लो मैं इसी का रिवर्स कर लेता, कि मॉलिक्यूल कैसा है, मॉलिक्यूल है ओ H2, हाइड्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो अब हाइड्रोजन आ रहा है इसकी तरफ, तो इस Cl के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव. दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड, कि ये तो डाइपोल है, ये तो पोलर है, और दूसरा पोलर नहीं है बट बिहेविंग एज पोलर, क्योंकि ये मॉलिक्यूल इसको पोलर की तरह बिहेव करने पे मजबूर कर रहा है. अगर ये मॉलिक्यूल भी पोलर ना होता तो हम डाइपोल वर्ड का इस्तेमाल करते ही ना. देखो अगले अगले फोर्स के अंदर मैं आ रहा हूं, दैट इज योर लंडन फोर्स. लंडन फोर्स फोर्सेस हैज अ अल्टरनेट नेम आल्सो नोन एज डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है, डिस्पर्जन फोर्सेस. तो डिस्पर्जन फोर्सेस के अंदर देखो क्या होता है, इसके अंदर मान लेते हैं हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, क्यों क्या, हम एटम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द हीलियम एटम, ठीक है, दिस इज अनदर हीलियम एटम. बड़े ध्यान से समझेंगे, एक हीलियम एटम है, दूसरा हीलियम एटम है, तो ये क्या करेंगे, क्या ये आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, नहीं बनाएंगे. हम चैप्टर नंबर 4 में ये बात बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं कि देयर बॉन्ड ऑर्डर विल बी 0, यानी कि ये आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे. अगर ये आपस में बॉन्ड नहीं बनाते, लेकिन इट डजंट मीन ना कि वो अट्रैक्ट नहीं कराएंगे, बॉन्ड बनाना एक अलग बात है, इंटरेक्शन एक अलग बात है. इंटरेक्शन का मतलब है खींच रहे, ठीक है. मान लो आपके पास दो वाटर मॉलिक्यूल है, एक गिलास के अंदर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एक वाटर मॉलिक्यूल पे भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल पे भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, लेकिन वो एक दूसरे को अपोजिट चार्ज होने की वजह से अपनी तरफ खींचते हैं,
इसलिए तो वो लिक्विड स्टेट में आते हैं कि मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर. तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, हीलियम हीलियम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. लेकिन गड़बड़ है यहाँ, एक बड़ी छोटी सी गड़बड़ है. क्या गड़बड़ है, देखो इसके अंदर होता यह है कि आपके पास, मान लो हीलियम भी मैं हटा देता हूँ, मैंने हीलियम भी हटा दिया, दिस इज अ न्यूक्लियस, इसके अराउंड दो इलेक्ट्रॉन, फिर आठ इलेक्ट्रॉन मैंने और ले लिया है, मैंने इतने सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है. अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, आप समझ गए होंगे, दिस इज क्लोरीन एटम, दिस इज योर क्लोरीन एटम. इस क्लोरीन एटम में देर आर 17 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस. यानी कि ये इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन. चैप्टर नंबर टू याद करो, चैप्टर नंबर टू में आपने कहा था कि फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पीड अलग है, उनकी वेलोसिटी अलग है. दूसरे शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी वेलोसिटी अलग है. तीसरे शेल में जो घूम रहे हैं उनकी वेलोसिटी अलग है. यानी कि ऐसा हो सकता है कि दूसरी वाले फास्ट घूम रहे हो, तीसरे वाले स्लो घूम रहे हो, फोर्थ वाले और स्लो घूम रहे हो, ठीक है. बट पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर रिवॉल्विंग इन डिफरेंट विद डिफरेंट वेलोसिटीज. तो देखो जब चक्कर मार रहे हैं, अब ऐसा मान के चलो कि ये बहुत सारे बच्चे हैं और ये गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है. कोई तेज भाग रहा है, कोई स्लो भाग रहा है, कोई और तेज भाग रहा है, कोई और स्लो भाग रहा है. तो ऐसे जब आप इमेजिन करोगे, यू विल कम टू नो देयर मे बी अ चांस, देयर मे बी अ चांस के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. देखो यहाँ पर हम क्या मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि अगर मैं इस एटम को बीच में से काट दूं ना, तो इसके आइदर साइड नेगेटिव चार्ज सेम है. आइदर साइड नेगेटिव चार्ज सेम होने का मतलब है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन ऑल द डायरेक्शन इज सेम. 3D की बात करूं कि आप x एक्सिस में निकल जाओ, y पे निकल जाओ, z पे निकल जाओ, कि इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस क्या होंगे, सेम होंगे. लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहे हैं विद द डिफरेंट वेलोसिटीज, ऐसा हो सकता है कि ये चक्कर मारते 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 एक सिचुएशन ऐसी आ जाए, एक सिचुएशन क्या आ जाए, ऐसी आ जाए कि ठीक है. अब यहां से अगर आप देखो 17 की बजाय लेट्स हैव 18 से आपको ज्यादा आसान हो जाएगा कि इस तरफ 9 इलेक्ट्रॉन है, इस तरफ 9 इलेक्ट्रॉन है. यहां पर इसमें इमेजिनेशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है. तो यहां पर भी मैंने क्या कर लिया, इस बीच में से कट कर रहा हूं. इस तरफ पहले 9 थे, इस तरफ भी 9 थे, लेकिन अब क्या होगा, इस तरफ काउंट करो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है इस तरफ. जबकि इस तरफ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 इलेक्ट्रॉन है. पहले क्या हो रहे थे, इस तरफ 9 थे, इस तरफ 9 थे, यानी कि चार्ज वाज सेम इन ऑल द डायरेक्शन. लेकिन इस टाइम क्या हुआ, इस टाइम पर नेगेटिव चार्ज इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा भाग गया. अगर नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में ज्यादा भाग गया तो इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल में ये जो पोर्शन होगा वो हल्का सा नेगेटिव हो जाएगा और ये हल्का सा पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि सारा का सारा नेगेटिव चार्ज क्या है, उस तरफ जा रहा है, ज्यादा नेगेटिव चार्ज उस तरफ जा रहा है. तो उस तरफ जाने की वजह से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज, और इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज. इसको आप लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट्री डाइपोल. मतलब क्लोज योर आईज, इमेजिन के एक सर्कल बना हुआ है, बच्चे उसके चारों तरफ घूम रहे हैं. एक पहला सर्कल है, फिर दूसरा सर्कल है, फिर तीसरा सर्कल है. आपने शायद देखा होगा कि रिले रेस होती है, ठीक है. अब वो ट्रैक को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, ठीक है. अब पहले ही सिचुएशन आप क्या मान रहे हो कि नंबर ऑफ एथलीट्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द ट्रैक इज सेम, लेकिन क्योंकि वो अलग अलग स्पीड से घूम रहे हैं, किसी की स्पीड ज्यादा है, किसी की स्पीड कम है, तो ऐसा होगा कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पर ट्रैक के एक साइड नंबर ऑफ एथलीट ज्यादा हो जाएंगे, दूसरे साइड कम हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि सब अलग अलग वेलोसिटी से जा रहे हैं. अगर सब सेम वेलोसिटी से जा रहे होते कि मतलब मैं भी एक स्टेप आगे ले रहा हूँ, इतनी देर में आप भी एक स्टेप आगे ले रहे हो, तीसरा भी एक स्टेप इतनी देर में आके ले रहे हैं, फिर मैं एक स्टेप इधर लेता, आपने भी इधर ले लिया, आपने, तो हम क्या होते, बराबर होते. लेकिन यहाँ पर एक फास्ट चल रहा है, एक स्लो चल रहा है, तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये
कि भाई किसी एक डायरेक्शन में जो है चार्ज ज्यादा हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में चार्ज ज्यादा हो जाएगा उसके ऊपर चार्ज क्या होगा नेगेटिव, दूसरे के ऊपर चार्ज क्या होगा पॉजिटिव। मान लो यहाँ पे क्या आर्गन लिया था, ठीक है, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, ये भी आर्गन है, तो एक आर्गन में इलेक्ट्रॉन 18 थे, तो उसको अब तक आप कैसे ड्रॉ कर रहे थे, उसको अब तक आप ऐसे ड्रॉ कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस, क्योंकि डॉट्स में ड्रॉ करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस क्या थे, बराबर थे। लेकिन हुआ ये कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज मोमेंट्री डाइपोल, कि बहुत कम टाइम के लिए ऐसा होगा दैट इट विल बिहेव एज डाइपोल। लेकिन जैसे ही ये डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, जैसे ही ये डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, ये ठीक वैसे ही जैसे यहाँ डाइपोल ने दूसरे के अंदर चार्जेस सेपरेट आउट करा दिए थे, ऐसे ही एक डाइपोल बनने की वजह से दूसरे में चार्जेस सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि मान लेते हैं ये न्यूक्लियस, इसका नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में ज्यादा है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में ज्यादा है, लेकिन ये अब तक क्या था, ये बराबर था हर डायरेक्शन में। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इस हिसाब से करेगा कि इसका न्यूक्लियस इस तरफ हो जाए और इलेक्ट्रॉन इससे दूर चले जाए, ठीक है। मतलब यहाँ पर हुआ ये कि वो घूमते 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 एक डायरेक्शन में ज्यादा हो गए, जिस डायरेक्शन में ज्यादा हो गए वहां चार्ज नेगेटिव हो गया, जहां चार्ज नेगेटिव हो गया, जिस डायरेक्शन में चार्ज नेगेटिव हो गया, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन थी कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज सेपरेट आउट होगा, वो इसके न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा और ये इस तरफ आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन उससे दूर चले जाएंगे। मान लो न्यूक्लियस को भी नहीं खींचता, कि इलेक्ट्रॉन है और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो वो इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा, रिपेल करने की वजह से उसका न्यूक्लियस उधर चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, न्यूक्लियस इस तरफ आ जाएगा। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं लंडन फोर्स या फिर डिस्पर्जन फोर्स। इसका भी रिलेशन कहीं ना कहीं डिस्टेंस से है, और इसका डिस्टेंस से क्या रिलेशन है, इट वेरीज बाय 1/r⁴। दुनिया के हर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रिलेशन किससे होगा, साइज से होगा, डिस्टेंस से होगा, ठीक है। डिस्टेंस बड़ी होगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। आप इसको समझने के लिए ग्रेविटी से कंपेयर कर सकते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में कंपेयर करके दिखाया, ठीक है। लेकिन अगर बात करनी है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ लंडन फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ लंडन फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ लंडन फोर्सेस मतलब किसमें क्या स्ट्रोंग है फोर्सेस, तो इसके अंदर देखें सबसे बड़ी बात है साइज पर, साइज के जिस मॉलिक्यूल को आप लेके चल रहे हो उसका साइज कितना बड़ा है। साइज जितना बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भी तो ज्यादा होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ये सिचुएशन आने के चांस ज्यादा होंगे, साइज ज्यादा तो यानी कि चांसेस ऑफ सेपरेशन chances of separation of charge is high, और अगर chances of separation high है इसका मतलब है London forces क्या हो जाएंगे, strong हो जाएंगे, increase कर जाएंगे, ठीक है। London forces क्या कर जाएंगे, increase कर जाएंगे। ऐसे ही दूसरा जो factor है, बड़ा important factor है, ये class 12th में बहुत ज्यादा use होता है, जो क्या हो जाता है, geometry। ज्योमेट्री का एक सीधा सीधा मतलब समझो कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है जो इतना बड़ा है और दूसरा मॉलिक्यूल है जो इतना बड़ा है, तो इनके बीच में इंट्रैक्शन इस एरिया में रहेगी, ठीक है। लेकिन एक मॉलिक्यूल है मेरे पास सर्कुलर, दूसरा मॉलिक्यूल भी है सर्कुलर, इनके बीच में इंट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ यहाँ रह सकती है। तो यानी कि देखो यहाँ इंट्रैक्शन कम है, यहाँ इंट्रैक्शन ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है, सीधी सीधी बात है, बड़ा है, साइज में बड़ा है, साइज बड़ा होने का मतलब है यहाँ पर फोर्सेस ज्यादा होंगे, यहाँ पर फोर्सेस कम होंगे। यानी कि ज्योमेट्री भी कई बार ऐसी होती है कि जो आपको अलाउ कर सकती है कि भाई कहाँ पर फोर्सेस ज्यादा होंगे और कहाँ पर फोर्सेस कम, ठीक है। इसी पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास मान लो है एक पेंटेन स्ट्रक्चर है, CH3, CH2, 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 CH3, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे या फिर CH3, CH3, CH3 and CH3, अगर आप इनको कंपेयर करके देखोगे
आपको हिंट मिल जाएगा कि ये एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट है तो यहाँ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, यहाँ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, यहाँ पर कम, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट योर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसमें से एक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो एक स्पेशल केस है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।